Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करेंगे 2015 Hollywood horror fantasy movie Deep Dark के बारे में। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो सो रहा था। अचानक उसे अपने बेली बटन से एक चेन जैसा कुछ निकलता हुआ दिखता है। वो जितना खींचता है उतना ही निकल आता है ये चेन, और एक पॉइंट पर पूरा का पूरा चेन ही निकल आता है उसका पेट काट कर। बहुत ब्लीडिंग हो रहा था। डर से ये आदमी चिल्लाने लगता है और ठीक तब ही उसकी नींद टूट जाती है। ये एक सपना था, ऐसा सपना जो ये आदमी अक्सर देखता है। अभी तो उसके गर्लफ्रेंड को भी आदत पड़ चुकी है उसके इस आधे रात में चिल्लाने की। नेक्स्ट दिन में हम मिलते हैं हरमैन से। वो एक आर्टिस्ट है। बचपन से उसका बस एक ही सपना है, उसे दुनिया का बेस्ट आर्टिस्ट बनना है। अपने हुनर से वो सभी को सरप्राइज करना चाहता है, मिसमराइज कर देना चाहता है, मगर न जाने की वो कर नहीं पाता। बहुत कोशिश करने के बाद भी, रात दिन काम करने के बाद भी लोगों को उसकी मास्टरपीस बेकार ही लगती है, क्योंकि वो सच में ही बेकार होते हैं, सिर्फ फरमान मानना नहीं चाहता। उसकी माँ उसे लेकर बहुत परेशान है। बेटा कुछ कमाता नहीं, पूरा दिन अपने कमरे में खुद को बंद करके पता नहीं क्या करता रहता है। वो फरमान से बहुत बार कह चुकी है उसके अंकल फेलिक्स को कॉल करने के लिए। वो भी एक आर्टिस्ट है, इयररिंग्स का बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, कुछ तो टिप्स जरूर दे देंगे। एक दिन हरमान को इंटरनेट पे एक आर्टिकल दिखती है। एक बहुत ही फेमस आर्ट सेलर डेवोरा क्लेन को नए आर्टिस्ट की तलाश है। हरमान इस मौके को गवाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसी दिन से काम पर लग जाता है। लेकिन काम करने के लिए तो एक प्रॉपर स्पेस चाहिए, सुकून चाहिए ध्यान लगाने के लिए, जो उसकी माँ नहीं समझती। वो हरमान का रूम तक किराए पर दे चुकी है और उसे उनके साथ रूम शेयर करने के लिए कह रही है। और कोई ऑप्शन ना पाकर हरमान कॉल करता है अपने अंकल फेलिक्स को, जहां हम देखते हैं ये फेलिक्स फर्स्ट सीन वाला वो आदमी ही है। एनीवेज, हरमान के प्रॉब्लम सुनकर फेलिक्स कहते हैं उनके पास इसका एक जबरदस्त सलूशन है। उसी शहर में उनका एक पुराना स्टूडियो है जहां वो पहले काम करते थे। अभी हरमान वहां पर जाकर रह सकता है, वहां उसे कभी इंस्पिरेशन की कोई कमी नहीं होगी। बदले में उसे सिर्फ $800 हर महीना पे करना होगा। इस लास्ट लाइन को सुनके हरमान की तो सारी खुशी गायब हो जाती है, उसके पास इतना पैसा कहाँ। एक के बाद एक मौका उसके हाथ से छूटता जा रहा था। एग्जीबिशन के दिन वो किसी तरह जुगाड़ करके अपना आर्ट वर्क कंप्लीट करता है। डेवोरा को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है, मगर उसकी एक वियर्ड वॉल हैंगिंग, जिसे मोबाइल्स कहा जाता है, वो किसी को पसंद नहीं आती। डेवोरा को अपना न्यू टैलेंट मिल चुका था, जोएल। वो हरमान की ही तरह एक एमेचर है, मगर वो बहुत चालाक है। लोगों को उल्लू बनाना बहुत अच्छे से आता है उसे, जो हरमान को नहीं आता। वो तो एक ब्लैंक कैनवस को भी आर्ट के नाम पर बेच सकता है। मगर हरमान भी डेस्परेट था। वो डेवोरा से लास्ट 2 हफ्ते का वक्त मांग लेता है अपने आप को साबित करने के लिए। इसके बाद या तो वो इस शो का विनर होगा या तो हमेशा हमेशा के लिए क्विट कर देगा। डेवोरा मान जाती है मेनली हरमान के हाथ से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि उसे पता है 2 हफ्ते तो क्या, 2 साल में भी वो कुछ नहीं कर सकता। हरमान इस चैलेंज को बहुत सीरियसली लेता है। अंकल फेलिक्स को कॉल करके सिर्फ 2 हफ्ते के लिए उनके अपार्टमेंट को रेंट पर ले लेता है और उसी दिन उस घर में शिफ्ट कर जाता है। हम देखते हैं ये एक बहुत ही पुराना सा टूटा फूटा कमरा है। सीलिंग से पानी टपक रहा है, वॉल्स में हजारों क्रैक्स है, और हाँ, एक है फोटो फ्रेम जिसे कितना भी सीधा कर दो वो बार बार स्लाइड हो रहा था। हरमान उस तरफ ध्यान नहीं देता, बहुत इरिटेशन हो रहा था तो वो सिंपली उस फ्रेम को हटा देता है और एक साथ 2 हफ्ते का खाना फ्रिज में स्टोर करके दरवाजा लॉक करके बैठ जाता है काम पे। एक एक करके दिन बीतने लगते हैं, मगर हरमान का एक भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। फाइनली ऑन दी 13th डे वो हार मान लेता है, उससे कुछ नहीं हो सकता, उसे तो सुसाइड कर लेनी चाहिए। लेकिन ठीक तभी हरमान को एक बहुत ही अजीब चीज दिखती है। दीवार पे जहाँ वो फोटो फ्रेम था उसके ठीक पीछे ही एक होल है, वहां से एक धागा निकल रहा था। हरमान उसे खींचता है तो उसे कागज मिलता है जिस पर लिखा था, रिलैक्स आई कैन हेल्प। हरमान कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो दीवार के दूसरी तरफ जाके चेक करता है देखने के लिए ये धागा कहां से आ रहा है, मगर उस तरफ तो सब कुछ सील्ड है। ऐसे ही बहुत सारे कागज के बाद इस होल से हरमान को एक छोटा सा स्पंजी बॉल मिलता है, जिसे अपने मोबाइल पर बिठाने से उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाता है तुरंत, और उसका आर्ट कम्प्लीट हो जाता है। वो अगले दिन ही भागता है डेवोरा के पास इसे दिखाने, मगर डेवोरा उससे मिलती तक नहीं। हरमान बेचारा उदास होकर घर लौटने लगता है। रास्ते पर उसे एक आर्ट वेंडर मिलता है तो वो अपना मोबाइल उसे ही दे देता है बेचने के लिए, और यहीं पर सबसे बड़ा झटका लगता है उसे।
जैसे ही आदमी हरमान के मोबाइल को शोकेस करता है, चारों तरफ से लोग उसे घेर लेते हैं। सभी को वो चीज चाहिए। कोई $200 देने के लिए तैयार है तो कोई 500, मगर ये मोबाइल मिलती है तो डिवोरा को पूरे $2,000 में। इस चीज का अट्रैक्शन इतना पावरफुल है कि वो खुद चलकर आई थी इसे खरीदने। वो हरमान से माफी मांगती है और उसे अगले शो में काम करने का ऑफर भी देती है। हरमान के दिल में तो लड्डू फूटने लगे थे, खुशी में पागल हो रहा था। वो जल्दी से घर आता है और सारी बातें इस होल से शेयर करता है। तब उसे पता चलता है ये होल असल में एक फीमेल है, ये बोल भी सकती है। वो हरमान को आगे भी मदद करेगी, बदले में हरमान को सिर्फ उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा बस। हरमान राजी हो जाता है, उसका करियर सेट हो रहा था। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है। ये होल उसे अपनी कहानी बताती है, कैसे उसने बड़े बड़े आर्टिस्ट की मदद की थी, कैसे उसके कारण आज वो लोग टॉप पर है। हरमान भी वहां पहुंच सकता है अगर वो इस होल के साथ रहे तो। अगले कुछ ही दिनों के अंदर हरमान अपना मास्टरपीस रेडी कर लेता है और उसे लेकर हाजिर हो जाता है डिवोरा के शो में। बहुत जाने माने लोग आए थे वहां और इस आर्ट वर्क को देख कर सभी इतना फैसिनेटेड हो जाते हैं कि डिवोरा इसे पूरे $20,000 में बेच पाती है। साथ में हरमान को एक पूरा बैच रेडी करने के लिए भी कहती है। वो एक महीने के अंदर हरमान का एक सोलो एग्जीबिशन अरेंज करेगी। उसका आर्टवर्क्स का इतना डिमांड है, लोग तो जैसे पागल हो रहे हैं। जोल भी गया था उस शो में, उसे तो समझ ही नहीं आता बस कुछ दिनों के अंदर ये हरमान इतना टैलेंटेड कैसे बन गया, कुछ तो गड़बड़ है। इधर घर में एक हादसा होता है। हम एक लड़की को देखते हैं दरवाजे पर नॉक करते हुए। ये लैला है, इस बिल्डिंग की मैनेजर। शायद वो हरमान को पसंद करती है, कभी कभी मिलने आती है उससे, उसे पाई खिलाती है, मगर हरमान ने कभी उसे कमरे के अंदर आने नहीं दिया। उसने कई बार एक फीमेल वॉइस सुनी है। उसे शक है हरमान यहाँ किसी लड़की के साथ रहता है। आज कमरा खाली है देखकर लैला अंदर आती है, सारी चीजों को देखती है, बिस्तर पर सोती है, इवन बाथरूम तक चेक करती है, लेकिन उसे कहीं कोई लड़कियों का सामान नहीं मिलता। फाइनली उसकी नजर पड़ती है उस होल की तरफ। अंदर प्रोजेक्शन चल रहा था हरमान का। लैला जैसे ही उसके पास जाती है, उसके आंखों पर कोई लिक्विड आ गिरता है, खून जैसा। लैला बहुत डर जाती है और चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागती है। और कभी यहाँ आने की हिम्मत नहीं होगी उसे, इस होल ने उसे अच्छे से डरा दिया है। उसे हरमान के आसपास इस लड़की का मंडराना बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस सबसे अनजान हरमान देर रात घर लौटता है। वो बहुत एक्साइटेड था, उसे इतना बड़ा ऑर्डर जो मिला था, वो भी डिवोरा से। मगर अपने अचीवमेंट्स के पीछे हरमान इतना पागल हो रहा था कि उसे बाकी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे एहसास नहीं हो रहा था कि जो उसकी मदद कर रही है, जिसके दम पर उसे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, उसका करियर सेट हो रहा है, वो चीज असल में है क्या। इस दुनिया का कोई क्रिएचर है या फिर कोई एलियन। इस होल के साथ उसका एक अजीब सा रिश्ता बन चुका था, एक इमोशनल बॉन्डिंग, एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन। जब हरमान बाहर रहता है तो ये होल उसे मिस करती है। उसे डर लगता है कहीं हरमान उसे भुला ना दे, वो फिर से अकेला होना नहीं चाहती। हरमान उसे कंसोल करता है, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। देखते ही देखते और कुछ दिन बीत जाते हैं और उनका ये अनरियल रिश्ता एक डार्क रियलिटी में कन्वर्ट होने लगता है। एक दिन ये होल उसे इंटीमेट होने के लिए कहती है। पहले तो हरमान राजी नहीं होता, मगर उसे अपने मोबाइल्स भी तो कंप्लीट करना है, जो इस होल के बगैर पॉसिबल नहीं था। तो फाइनली वो मान जाता है, होता है इंटीमेट, लेकिन उसे पता नहीं चलता उसे इंटीमेट होते हुए कोई और भी देख रहा है खिड़की के बाहर से। ये जोएल था। जोएल पिछले कुछ दिनों से हरमान पर नजर रख रहा था, उसे फॉलो करते हुए ही आज वो यहाँ पहुंच चुका है, मगर जो उसने देखा उसे ठीक से एनालाइज नहीं कर पाया वो। उधर हरमान को अपना गिफ्ट मिल चुका था। वो जल्दी से फाइनल पीस रेडी करता है और नेक्स्ट डे ही डिवोरा को सबमिट कर देता है। उसे इन पीसेस के बदले ढेर सारा पैसा मिल रहा था। जरूरत पड़ने पर डिवोरा उसका पे डबल भी कर सकती थी। मगर हरमान अंदर ही अंदर अनकंफर्टेबल फील करने लगा था। उसे पता था जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। उसे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, नॉर्मल गर्लफ्रेंड, एक नॉर्मल रिलेशनशिप। वो डिवोरा को इंडायरेक्टली प्रपोज करता है। जवाब में डिवोरा उसे अपनी पेंटिंग्स दिखाने ले जाती है, जो बहुत ही बकवास थे। डिवोरा बताती है वो भी हरमान को पसंद करती है, लेकिन मेनली इसलिए क्योंकि वो एक ट्रू आर्टिस्ट है। डिवोरा आर्ट बना नहीं सकती, मगर बेच सकती है। वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। डिवोरा और हरमान के बीच एक रिश्ता बन चुका था, एक नॉर्मल रिश्ता जैसा हरमान को चाहिए था। वो खुश था, सेटिस्फाइड था, मगर इस होल को न जाने कैसे सब कुछ पता चल गया। वो हरमान को लेकर पोसेसिव होने लगी थी। डिवोरा के साथ उसका मिलना जुलना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
इस बार हरमान और खुद को चुप नहीं रख पाता। इस होल के साथ उसका क्या रिश्ता बन सकता है, वो तो कोई इंसान भी नहीं। गुस्से में हरमान घर से निकल जाता है। हम देखते हैं धीरे धीरे ये होल पूरे घर में स्प्रेड हो रही थी। उसका पावर बढ़ रहा था। हरमान के बातों से उसे बहुत दुख पहुंचा था, गुस्सा भी आया था, मगर वो और हरमान को कुछ नहीं कहती। उल्टा डिवोरा को कॉल करती है उसके फोन से, उसे मिलने के लिए इस घर में बुलाती है। जब डिवोरा आती है उस रात, ये होल उसे डायरेक्टली बताती है कि उसे पता है डिवोरा को हरमान में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो सिर्फ उसे यूज कर रही है। उसे सही वक्त पर सारे मोबाइल्स मिल जाएंगे जिसे बेच कर वो लाखों करोड़ों कमा सकती है। बदले में सिर्फ उसे हरमान को छोड़ना होगा। डिवोरा राजी नहीं होती, इनफैक्ट वो तो इस बात को सीरियसली लेती ही नहीं। तो इस होल को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने अंदर से पॉइजनस गैस छोड़कर डिवोरा को बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद हरमान के लौटने पर उसे बेहोश डिवोरा दिखती है। वो किसी तरह उसे सीन्स में लाकर घर छोड़ने जाता है, मगर डिवोरा उससे नाराज थी, बात नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था वो लड़की हरमान की गर्लफ्रेंड है। फाइनली पूरे सिचुएशन को देखते हुए हरमान एक डिसीजन लेता है। वो डिवोरा को सारा सच बता देता है, ये भी बताता है कि उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं, वो एक फेल्ड आर्टिस्ट है, लेकिन वो डिवोरा से प्यार करता है सच्चे दिल से। सरप्राइजिंगली डिवोरा उसकी बातों पर यकीन कर रही थी, उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है और हरमान भागता है उस कमरे की तरफ, उस होल से पीछा छुड़ाने। उधर उस कमरे में हम किसी को खिड़की से एंटर करते हुए देखते हैं, चोरी छुपे। ये जोएल था, उसे इस होल के बारे में सच पता चल चुका है, अभी वो भी इसे यूज करना चाहता है। हरमान उसे बहुत मना करता है, उसे नहीं पता वो किस जाल में फंस रहा है। ये होल उसे बाकी दुनिया से अलग कर देगी, अब नॉर्मल बना देगी। मगर जोएल कुछ सुनना नहीं चाहता था, वो हरमान को मारने लगता है। लालच में वो जैसे पागल हो चुका था, उस होल के रिक्वेस्ट करने पर भी नहीं रुकता। तो जब हाथापाई करते करते जोएल इस होल के सामने आता है, तो ये होल उसे अपने अंदर खींचने लगती है। उसके सारे इनर ऑर्गन्स बाहर निकल आते हैं और इसी होल के हाथ जोएल की मौत हो जाती है। हरमान को और एक बार सबूत मिल चुका था कि होल कितना खतरनाक हो सकती है। वो एक एक करके सारे होल्स को बंद करने लगता है। वो भूल जाता है इस होल ने एक दिन उसकी मदद की थी, अभी कुछ देर पहले इसी ने उसकी जान भी बचाई थी। ये होल उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है, कहती है डिवोरा उसके लिए सही नहीं है, वो सिर्फ उसे यूज कर रही है, मगर हरमान नहीं सुनता। फाइनली जब मेन होल की बारी आती है, तो कोई पीछे से हरमान के माथे पर जोर से वार करके उसे बेहोश कर देता है। उसका सेंस लौटता है आधे घंटे बाद बाथरूम में। उसे इस होल के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। हरमान किसी तरह बाहर निकलता है और देखता है डिवोरा एक कटर से उस दीवार को काट रही है। वो इसे अपने घर ले जाना चाहती है। ये होल सही थी, डिवोरा सच में ही हरमान को यूज कर रही थी। अभी उसे और किसी की जरूरत नहीं, अभी वो खुद ही अपने आर्ट बना सकती है और बेच भी सकती है इस होल के जरिए। दीवार से बहुत खून बह रहा था, मानो किसी जिंदा इंसान को काटा जा रहा है। दर्द में बेचारी होल चिल्ला रही थी। वो डिवोरा को रोकने जाता है और हाथापाई में डिवोरा की अपनी उंगली ही कट जाती है उस कटर से। दर्द में पागल होकर चिल्लाते हुए वो निकल जाती है कमरे से। इधर तकलीफ किसी और को भी हो रही थी, उस होल को, बेचारी दर्द में रो रही थी। हरमान इस होल के पास जाकर बैठता है, उसे हौसला देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर होता नहीं। खून की उल्टी करते करते वो बेचारी गुजर जाती है। हरमान को नहीं पता ये कौन थी, यहाँ कैसे आई, मगर इसमें उसे एक ट्रू फ्रेंड, एक रियल कंपेनियन जरूर मिला था। जब उसकी आवाज बंद हो गई तो दुख हरमान को भी बहुत हुआ। कुछ दिन बाद हरमान इस अपार्टमेंट को छोड़ देता है, लेकिन जाने से पहले वो इस दीवार को अच्छे से पैचअप कर देता है और इस होल को फ्रेम भी कर देता है। फिल्म के एंडिंग में हमें अंकल फेलिक्स का भी एक मोमेंट दिखता है, जिससे हमें पता चलता है उसे भी जरूर इस होल के बारे में पता था। वो जो अभी इतना रिच है, यह बिजनेस भी उसी होल के मदद से स्टार्ट हुआ था, और शायद इसीलिए उसे अजीब से सपने आते हैं। एवरी गुड थिंग हैज अ बैड साइड, राइट? दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। ये एक फैंटेसी हॉरर है, इसीलिए कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। फिल्म में डार्क ह्यूमर की यूज की गई है, जो मुझे पसंद आई। ओवरऑल इट्स अ गुड अटेम्प्ट, इंटरेस्टिंग है और थ्रिलिंग भी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।